गाइस, आज मैं और मम्मा आए हैं यहाँ पे, देख सकते हो जीरा उठाने। तो गाइस यहाँ पे है ब्लैक जीरा, तो आप देख सकते हो वहाँ पे मम्मा उठा रहे हैं। तो और यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, एप्पल कितने अच्छे लगे हैं और कितना हरा भरा सा है, देख सकते हो। और कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। मम्मा हाय बोलो। मुझे नहीं, आप क्या कर रहे हो आज, कौन सा काम कर रहे हो? फ्रेंड्स ये जीरा ना खुद से ही लगता है ना। चले बीजते हैं, फिर उसके बाद दोबारा बीज नहीं लगाते हैं ना। ओके तो फ्रेंड्स ये काला जीरा जो है ना दुआई के लिए भी अच्छा होता है, मतलब जो भी बीमारियां होती है ना इसको खाने से सही हो जाती है। तो आप देख सकते हो और हमारा खेत कितना हरा भरा लग रहा है, आप देख ही सकते हो फ्रेंड्स। ये देखो फ्रेंड्स जीरे, एप्पल, कितने क्यूट से एप्पल है, देख सकते हो, ये देख सकते हो आप। फ्रेंड्स मुझे ना ये जीरा काटना नहीं आता है, इसीलिए मम्मा काट रहे खुद। फ्रेंड्स तब हम थोड़ा जीरा वगैरह काटते हैं और मिलते हैं आपके साथ थोड़ी देर में। हमारे आलू, ये आलू नहीं है सॉरी, ये घास है पूरा, यहाँ पे आलू बीजे हुए हैं। और वहाँ पे देखो एप्पल कितने अच्छे लगे हैं फ्रेंड्स। ठीक है ठीक है ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैं भी जीरा उठाने लग गई थी, तो आप देख सकते हो कि मैंने भी फटाफट सारा जीरा उठाने लग गई। तो क्या बोलते हैं, मम्मा बेचारे वैसे थक रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मम्मा की थोड़ी हेल्प कर दूँ, मैं भी जीरा उठाने लग गई मम्मा के साथ। आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ना वेज में क्या कर रही हूँ, मैं जीरा उठा रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ना मेरे पास फोन टिकाने के लिए कुछ चीज़ नहीं थी, इसलिए मैंने जो एप्पल का पेड़ होता है ना उसी के ऊपर फोन रखा था, तभी मैंने मतलब मैं फटाफट जीरा उठाने लग गई थी। तो इसी तरह मतलब मेरे पैर ही दिख रहे हैं, जीरा उठाते हाथ भी नहीं दिख रहे पैर के। तो गाइस मैं ना जीरा उठा के आ गई हूँ घर, तो मुझे मैंने आपको दिखाया नहीं लास्ट में जीरा हमने कितना उठाया, अभी मम्मा खेत में ही है उठा रहे जीरा। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ घर क्योंकि मुझे बनाना था किचन का लंच, क्योंकि अभी 1 बज चुके हैं तो लंच तैयार करना था, इसलिए मैं घर आ चुकी हूँ। अब मैं लंच तैयार करती हूँ, उसके बाद फिर मैं नहा धो के फ्रेश होके फिर मैं कहीं और जाऊँगी, फिर मैं आपको वहाँ का व्यू भी दिखाऊँगी कि मैं कहाँ जाऊँगी, अभी नहीं बताऊँगी बाद में दिखाऊँगी, जब दिखाऊँगी तो आप देख लेना मैं कहाँ जाने वाली हूँ। तो चलिए गाइस आज मैं लंच में क्या बना रही हूँ दिखाती हूँ आपको। तो आज मैं लंच में बना रही हूँ स्पेशल। तो गाइस यहाँ पे मैंने तेल गरम करने को लगा दिया, ये तेल ज़्यादा ही गरम हो गया है। तो मैं लंच में बना रही हूँ आज गाइस सबकी फेवरेट, आपको पता है राजमा तो सबकी फेवरेट होती है, मैं बना रही हूँ राजमा की दाल। तो मेरा ऑयल ज़्यादा गर्म हो चुका है, अब मैं थोड़ा ऑयल को ठंडा होने दूँगी, देन उसके बाद मैं इसमें तड़का मारूँगी। तो फ्रेंड्स आपको पता है राजमा की दाल तो किन्नौरी राजमा की दाल तो कितनी
कितनी यमी और टेस्टी होती है। तो चलिए गाइस रेसिपी क्या ये दाल बनाती हूँ, उसके बाद फिर दिखाऊंगी मैं आपको। फ्रेंड्स यहाँ पे ना तेल ठंडा हो चुका था और अब मैंने इस गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया, पहले बंद कर दिया था। अब इसमें ऐड करूँगी मसाले। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ना क्या बोलते कसूरी मेथी जीरा और कूटे हुए लहसुन को ऐड कर दिया है, उसको अच्छे से भुनेंगे हम। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने टमाटर को भी टमाटर बोलती रहती हूँ, प्याज को भी डाल दिया मैंने पेस्ट बना के, इसको अच्छे से भून लिया। अभी बोल रही हूँ देख सकते हो आप मसाला रेडी हो चुका है। कितना डिलीशियस लग रहा है ना मसाला गाइस। उसको अच्छे से कुक होने देते हैं। ये रही हमारी राजमा, देख सकते हो पक गई है अच्छे से। अब इसको मैं ऐड करूँगी, तो मैं ऐड कर रही हूँ। देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने दाल डाल दिया, इसमें थोड़ा सा थोड़ी थीक थी तो मैंने थोड़ा सा पानी भी मिक्स कर दिया। तो गाइस दाल तो मेरी रेडी हो चुकी है, अब गाइस मैं जाऊंगी नहाने, नहाने के बाद आके फिर बनाऊंगी राइस, उसके बाद हम लंच करेंगे, फिर जाऊंगी मैं कहीं तो आपको दिखाऊंगी। और गाइस मैंने इसमें मसाले पहले ही ऐड कर दिए थे, मैंने आपको दिखाए नहीं सॉरी, तो मैंने ऐड कर दिए थे जो हम नॉर्मल मसाले में हर रेसिपीज में लगाती हूँ वही होममेड मसाला जो मैंने खुद बनाया था वही ऐड किया है। तो चलिए गाइस इसको बॉईल होने देते हैं, फिर मैं आपको फाइनल टेस्ट दिखाऊंगी, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपके पास आपके साथ थोड़ी देर में। दाल बन के है तैयार, अब मैं गैस की फ्लेम को बंद करती हूँ और इसको ढक के रख देती हूँ, उसके बाद मिलूंगी आपके साथ थोड़ी देर में। बाय यार देखो इधर, हेलो ऑस्कर इधर, वीडियो बन रही है आपकी। ऑस्कर अभी सिटी से आ गया इधर, देखो क्यूट सा डॉगी, इधर इधर ऑस्कर हेलो, हाँ देखो ना इधर हस्बैंड ली आपकी। फ्रेंड्स फाइनली ना हमने लंच वगैरह कर लिया था और फिर मैं चली गई थी वहाँ जहाँ मैंने जाना था, तो मैं जा रही थी गाइस बुद्ध मंदिर, तो वहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो कितने सुंदर सुंदर फूल लगे हैं। और तो मैंने जब आपको पहले डॉगी दिखाया वो दीदी का डॉगी था जो दीदी वीडियो में थे, एंड अब मैं बुद्ध मंदिर का मतलब अंदर का व्यू दिखा रही हूँ आप देख सकते हो फ्रेंड्स, देन उसके बाद मैं अपनी पिक्स तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। तो गाइस आज मैंने बस इतना ही दिखाया आपको कि आज मैंने पूरे दिन में क्या किया और कहाँ गई क्या क्या किया। तो गाइस आई होप आपको ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आया, ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और गाइस सपोर्ट मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और थैंक यू सो मच आप मुझे इतना सपोर्ट करते हो। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपके साथ कल नेक्स्ट अमेजिंग ब्लॉग के साथ।